इंडिया की पहली 120 सीसी बाइक है जिसमें आपको मिल जाएगा लिक्विड कूलिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो मैं था अभी केटीएम ओखला में, द ऑरेंज वर्ल्ड ऑफ केटीएम, और अपने साथ है द स्मॉलेस्ट द लाइटेस्ट ड्यूक 125। अगर ड्यूक आप बाय करना चाहते हो और आपका एक बजट लिमिटेड बजट है और आपको ड्यूक बाय करनी है तो भाई ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला। साथ ही में अगर आपको डेली कम्यूट करना चाहते हो, आपको माइलेज भी चाहिए, तो भाई ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। वीडियो को जरा भी मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। आपको एक प्रीमियम बाइक दिखाने वाला हूँ, साथ ही में माइलेज मशीन होने वाली है, साथ ही में आपको बढ़िया इंजन मिलेगा। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी बाइक है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रीमियमनेस मिलेगी आपको देखने को इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो ये देख सकते हो, ये खड़ी है अपनी KTM ड्यूक। अब ये जो बाइक का जो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ प्राइस, तो प्राइस कितना होने वाला है इसका, जो प्राइस है ऑन रोड डेली 2,08,000 रुपये। अब 2,08,000 रुपये आपको प्राइस लग रहा होगा यार काफ़ी ज़्यादा प्राइस हम पे कर रहे हैं, 125 cc जैसी बाइक है, इसके इतना प्राइस पे करना ठीक भी है या नहीं है, या इतनी महंगी क्यों है, ये क्या है इसके अंदर ऐसा जो ये बाइक इतनी महंगी है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं इस बाइक के इतने महंगे होने के लिए। तो ये आपको वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि देख लो इस प्राइस पॉइंट में आपको अगर देखा जाए ना प्रीमियमनेस, तो प्रीमियमनेस नहीं मिलेगी आपको। जो प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे वर्क KTM दे रहे हैं, अब KTMनेस के अंदर क्या ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो बाइक इतनी महंगी है, ये आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में पूरे बने रहो। इसके बता दूँ साथ ही में, अगर आपको इसमें फेड वर्जन चाहिए तो उसका फेड वर्जन भी आता है, जो कि रहने वाली है अपनी KTM RC 125। इसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा 2,22,000 रुपये के आसपास चले जाता है। अगर आप फेड वर्जन लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, और अगर आप नेकेड वर्जन लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। बाकी दोनों में से अगर ग्राफिक्स हटा दें 125 सीसी के, तो कोई भी देख के ये नहीं बोलेगा कि भाई ये बाइक 125 सीसी है और ये भी 125 सीसी है। ये दोनों अच्छी खासी 200-300 प्लस कैटेगरी की बाइक लगती है। बाकी अभी फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट से आपको देखने में कुछ इस तरीके से देखने को पूरे लुक मिलने वाला है। अगर लुक की बताएं यहाँ पे फीचर, तो फ्रंट में आपको LED DLS मिल जाएंगी, हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आप इसके अंदर जो ड्यूक 200 में हेडलाइट्स आती हैं, ये वाली, ये हेडलाइट्स आप यहाँ पे इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल करवा सकते हो, नहीं तो आप इसमें LED बल्ब भी लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट जाके, वो भी काफ़ी भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं LED ब्लिंकर, तो ये देखते हो यहाँ पे आपको फ्रंट में LED ब्लिंकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई फैक्ट्री फिटेड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, कि काफ़ी फ्लेक्सिबल वगैरह रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर प्रीमियमनेस की बात करें अगर यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हो ये अच्छे खासे 43mm के आपको WP के USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी थिकनेस देखो, इसकी क्वालिटी देखो, ये क्वालिटी और ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो इसके अंदर इसका प्राइस बढ़ा रही है, इसको महंगा कर रही है। बाकी अगर फ्रंट का टायर की बात करें तो 125 सीसी होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा 110 सेक्शन का टायर, जो कि रेडियल टायर है। अगेन रेडियल टायर आपको इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा। साथ ही में 110 सेक्शन का टायर तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि अभी जो 125 सीसी की जो बाइक आ रही है लगभग वो भी 1 लाख प्लस हो चुकी है इंडियन मार्केट की बात करें तो। 1 लाख प्लस में आपको एक 120 सीसी की बाइक लेते हो, उसमें आपको आगे फ्रंट में टायर मिलता है 80 सेक्शन का, ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिल जाता है, बट यहाँ पे मिलेगा 110 सेक्शन का टायर, वो भी रेडियल टाइप में टायर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से डिस्क दिखा दूँ मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगी 300mm की डिस्क और 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर मिलता है बाइब्रे का। अगेन ये भी यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये सब कॉस्टली प्रोडक्ट्स आते हैं, सब चीज़ें कॉस्टली हैं, तो ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हो ना, जैसे ये 300mm की डिस्क, बाइब्रे के 4 पिस्टन वाले ब्रेक कैलिपर, ये चीज़ देख लो मतलब कितनी अच्छी इसकी ब्रेकिंग दे रखी है, आप समझ सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई है। साथ ही अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये मिल जाएगा आपको देखने को इसका 125 सीसी का इंजन, जो कि 14.3 BHP की पावर और साथ ही में 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और ये इंडिया की पहली 125 सीसी बाइक है जिसमें आपको मिल जाएगा लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देख सकते हो हमें इतना बड़ा रेडिएटर दिया हुआ है, और इस बाइक का कंप्रेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है और काफ़ी पावरफुल बाइक रहने वाली है। 6 गियर देखने को मिल जाते हैं 125 सीसी में, 4 से 5 गियर से ज़्यादा किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको 6 के 6 गियर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो 6th गियर पे बाइक कितनी लाइट फील होने वाली है, और उसका टॉप एंड तो यार कंपनी क्लेम करती है 125 प्लस, तो आराम से 120 सीसी की बात करें तो कोई बीट नहीं कर सकता। 150 सीसी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ भी इस बाइक को कोई बीट नहीं कर सकता। साथ ही में लिक्विड कूल्ड इंजन है तो काफ़ी रिलायबल होने वाली है, जो इसकी KTM के इंजन आपको पता है कितने रिलायबल होते हैं, जल्दी से इसमें कोई काम नहीं आता, ओनली सिर्फ सर्विसिंग का रहता है, सिर्फ आपको सर्विस करानी है और बाइक में कोई खर्चा नहीं आने वाला। अब अगर आप इसका बैंड पाइप देखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का आपको मिलने वाला पूरा बैंड पाइप। अब देख लो इस टाइप में जब नहीं देखो लोहे वाला आते हैं बैंड पाइप वगैरह, उसमें भी रस्टिंग वगैरह आ जाती है, बट यहाँ पे देखो क्वालिटी मैटर्स ब्रो, तो यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में यहाँ पे पूरा कवरिंग दे रखी है आपके, ये जो टेटली कन्वर्टर वगैरह को पूरी कवरिंग दी गई है, यहाँ पे ये लगा दिया है, इंजन कॉल वगैरह डाल दिया है, लेग गार्ड आपको दे दिया है, रेडिएटर यहाँ पे रेडिएटर कवर दे दिया है आपको पूरा प्रॉपरली। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें प्रीमियमनेस यहाँ पे ऐड करी है। साथ ही में आपको यहाँ पे स्प्लिट टेलीस फ्रेम मिलेगा, एक टेलीस फ्रेम मेरा, एक ही पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे ये स्प्लिट करा हुआ है,
कुछ इस तरीके से। तो स्प्लिट टेलिस फ्रेम आपको देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, जो अगेन इस प्राइस पॉइंट में आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। रियर में डब्ल्यू पी के सस्पेंशन मिल जाएगा, वो भी एडजस्टेबल मिल रहा है आपको। अगेन ये भी आप समझ सकते हो कितनी ही प्रीमियमनेस चीज़ है। और ये देख सकते हो यहाँ पे स्विंग आर्म की बात करें, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको देखने को मिल रहा है। अब ये देख लो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, तो इस सेगमेंट में आपको वैसे नहीं मिलता। अब इस प्राइस पॉइंट पर बात करें तो इस प्राइस पॉइंट में एक ही बाइक ऑफर करती है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, इसके अलावा वो है अपनी MT15। और उसके अलावा और कोई बाइक अवेलेबल किसी और बाइक में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे ड्यूक 125 में मिल रही है। इसके अलावा आपको थोड़ा पैसा और डालोगे तो आपकी MT आ जाएगी, उसमें ले सकते हो। नहीं तो आप ड्यूक 200 भी ले सकते हो। ड्यूक 200 अगेन बहुत अच्छा पावरफुल प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब अगर मैं आपको रियर में लेके जाऊँ बाइक के, तो ये देख लो रियर में आपको LED टेल लाइट, LED ब्लिंकर्स और इनफैक्ट नंबर प्लेट की जो लाइट है ये भी आपको LED देखने को मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इतना बड़ा सा टायर हगर दिया हुआ है। रियर में 240 mm की डिस्क मिल जाएगी। बाई ब्रेक का ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है। 150 सेशन का रेडियल टायर देखने को मिल रहा है 17 इंच के अलॉय के साथ। तो क्वालिटी देखो, मतलब क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। अगर आप ले रहे हो तो आप क्वालिटी के पैसे दे रहे हो और KTM के पैसे दे रहे हो। KTM की सर्विस वगैरह आपको पता है कितनी अच्छी है। KTM के पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं क्योंकि भाई बजाज ही इसको सेल आउट करता है इंडिया के अंदर, तो बजाज ने इसके पार्ट्स काफ़ी सस्ते करे हुए हैं। सर्विस वगैरह काफ़ी कम खर्चे में सर्विस हो जाती है इसकी। बात करें फ्री सर्विस वगैरह, तो वो आपके 1000 से 1200 रुपये में फ्री सर्विस वगैरह इसकी हो जाती है आराम से, कोई खर्चा इतना आता नहीं है इन बाइक्स के अंदर। ग्रैब हैंडल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, कितना बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। सीट्स की क्वालिटी देखो, तो सीट की कुशनिंग वगैरह देखते हो, स्प्लिट होने के बाद भी सीट की क्वालिटी सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। क्योंकि 125 cc की बाइक है, इसको हाईवे पे भी कर सकते हो, लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड कूलिंग यहाँ पे दे दिया है। तो लंबी दूरी आप तय करोगे इससे तो आपके बाइक में हीटिंग इश्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कूलिंग है, कूलेंट वगैरह डलता है, तो आपकी बाइक क्या है कि ठंडा हो जाएगी, इसमें फ़ैन ऑन हो जाएगा इसका और आपकी बाइक हो जाएगी ठंडी, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करें यहाँ पे टैंक की, तो यहाँ पे 13.4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। मेटलिक पूरा टैंक देखने को मिलने वाला है। ये आपको टैंक का फ्लैप मिलेगा। यहाँ पे ड्यूक 125 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में हैंडल बार की बात करें तो एकदम स्ट्रेट हैंडल बार रहने वाला है। बैकलेट स्विचेज वाले ये मिलने वाले, बैकलेट स्विचेज आपको देखने को मिलने वाले कुछ इस तरीके से। मिरर देखो, तो मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दे रखी है, इस तरीके से देख लो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, फुली कवर्ड आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं। और अब आपको मैं ये दिखाऊँ यहाँ पे अगर, तो ये देखो, ये इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा आपको देखने को मिलने वाला है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। ये देख लो यहाँ पे रोड मोड है, तो यहाँ पे मोड है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप टू ट्रिप ही रोड मोड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको मोड भी चेंज करके दिखा देता हूँ इसका, तो ये आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा मोड चेंज के लिए। तो यहाँ से इसका ये जो ABS वगैरह है ना, ये साइड स्टैंड वगैरह डाउन हो रखा है, ये देख लो कैसा वो कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिप वगैरह आ रहा है, ये किलोमीटर गियर आ रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आ रहा है इधर, साथ ही में पूरा आपका RPM मीटर ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा आपको इस सेगमेंट की, इंजन टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, फ्यूल इधर दिखा रहा है, बाकी मतलब फीचर्स तो भरपूर आपको देखने को मिल जाते हैं इस KTM ड्यूक 125 के अंदर। फीचर आपको काफ़ी भरपूर देखने को मिल जाएंगे, बस ये कि थोड़ा आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उस प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो उसका आपको प्रीमियमनेस मिलेगी भी, आपको कहीं भी क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। कहीं कोई बाइक में इशू नहीं है, कहीं कोई पेंट क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप 125 cc बाइक लेना चाहते हो, आपको माइलेज वाली एक प्रीमियम बाइक चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। बात करें माइलेज की, तो यहाँ पे 40-50 की माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी सिटी के अंदर, और 50+ आपको देखने को मिल जाएगी हाईवे पे। 50+ हाईवे पे क्यों, क्योंकि वहाँ पर 6th गियर पे जब आप इसको 100 में क्रूज करोगे तो आपकी बाइक आराम से 50+ माइलेज आपको देने वाली है। अब साउंड इसको एक बार ऑन कर लेते हैं, फिर आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से। तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट, अब आप इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लो। तो ये देख सकते हो काफ़ी रोरिंग साउंड है इसका, और ये रेव फ्रेंडली इंजन्स होते हैं KTM के, काफ़ी हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, तो इसको आप कितना भी रेव करो, कितना भी बाइक को खींचो, कितना भी दौड़ा दो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बनी ही इसलिए कि आप इसको पिकअप वगैरह लो, आप इसको अच्छे चला पाओ, आपको इंस्टेंट पिकअप मिल जाए, और आप साथ ही साथ आपको एक अच्छा एग्जॉस्ट साउंड भी मिल जाए। बाकी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आप इसमें डायरेक्टली फिट कर सकते हो, आपको ये जो अंडर बेली है ये निकालना पड़ेगा, एक बैंड पाइप छोटा सा था वो लगेगा यहाँ पे, और आपका आफ्टर मार्केट भी इसमें इजीली फिटमेंट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी बाइक है, मेरी तरफ से बिल्कुल पास है ये बाइक। अब आपको मैं इसमें EMIs और अगेन आपको एक बाइक भी बताया था उसका प्राइस कितना है, EMI ऑप्शन बताया था कि EMI को कितनी देनी पड़ेगी इस बाइक को बाय करने के लिए, और कहाँ से आप बाइक को ये बाय कर सकते हो ये भी बता देता हूँ। अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊँ KTM Duke 250 के, तो इसका प्राइस मिल जाएगा आपको 208,000 रुपये ऑन रोड डेली प्राइस।
अब इस बाइक के ऊपर देखो अभी तो कोई ऐसा ऑफर नहीं है, डिस्काउंट वगैरह मैं आपको बोल दूँ डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में आप डिस्काउंट ना मिले तो मैं आपको सच बताऊंगा, जो बताऊंगा कोई डिस्काउंट वगैरह अभी इस बाइक पर नहीं है। 2,08,000 रुपये आपको पे करना है। बट हाँ, आपके लिए एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियल थिंग है कि आपको भाई 25,000 से 30,000 रुपये लेकर आने हैं, आपकी बाइक हो जाएगी फाइनेंस, आप इजीली अपनी बाइक को ले सकते हो अपने घर और कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल 4 साल तक की इजीली ईएमआईज करवा देंगे आपके नाम पे, आप आराम से ईएमआई भरते रहना, आपके जेब पे भारी नहीं होने वाली। लेकिन जब आप ये बाइक लोगे ना और जब आप रोड पे निकलोगे लेके, तो भाई लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कोई भी नहीं बोलेगा कि 125 सीसी की बाइक है। ये सबसे बड़ी बात है इस बाइक की, माइलेज चाहिए और अच्छी बाइक चाहिए, तो भाई KTM Duke 125 बिल्कुल पास है मेरी तरफ से अगर आप एक प्रीमियम बाइक लेना चाहते हो। बाकी आपको ऐसी कोई बाइक लेनी है तो वो आपकी मर्जी है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आपका अपना पैसा आप किस हिसाब से खर्चना है किस हिसाब से नहीं खर्चना है वो आपके ऊपर है। हम आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी अगर कोई गाइडेंस में कमी रह गई है, किसी चीज़ में आपको लगी कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो आप मुझे कमेंट में डाउन कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आई डी डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में मेरी इंस्टाग्राम आई डी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप कर सकते हो। अब एक ऑफर वाली बात बताता हूँ आपको, एक ऑफर भी आपको दे देंगे। ऑफर क्या है कि भाई इस बाइक के ऊपर, अपनी KTM Duke 125 के ऊपर आपको एक हेलमेट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो मेरी चैनल मेरा वीडियो देख के जाएगा उसको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बट आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, उसका लेना है स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लाके अपने अंदर फैजान सर उनको दिखाना है, वो आपको एक हेलमेट बिल्कुल बिल्कुल फ्री दे देंगे। आपका वो हेलमेट हो जाएगा बाइक के साथ, आपको मिल जाएगा KTM का बढ़िया वाला हेलमेट, तो वो आप ले आ सकते हो। साथ ही में अगर आपको ये बाइक बाय करनी है तो अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको आना है KTM ओखला में, जो कि अपना ओखला के अंदर है। नीचे मैं आपको दे दूंगा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों स्क्रीन पे भी आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सीधा आप आ सकते हो यहाँ पे और अपनी डील को कर सकते हो फाइनलाइज। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक सी ओके बाय बाय।